हाँ, कैसा है हलवा? मजे का है। लेकिन मुझे बताओ क्यों बुलाया यहाँ पे, क्या सरप्राइज है? तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मैं जहां कहूंगी वहां तुम शादी कर लोगे, तो हाँ, अपना वादा याद है मुझे। क्या आप भी इस बात पे कायम हो तुम? 100%। रईस, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। हो सकता है वो 100% तुम्हारी आइडियल ना हो, तो कर लोगे तुम उससे शादी? भाई भी यकीन रखो, बताओ कौन है वो? रुतबा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। क्यों, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? क्या कमी है रुतबा में? वो बेवा है ना, आज का मुझे लगता था कि तुम मुझे समझती हो, जानती हो, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि तुम मुझे नहीं समझती। नहीं रईस, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इतना अच्छी तरह जितना तुम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए मैंने रुतबा का तुम्हारे लिए इंतखाब किया है। और सुनो, वो शादीशुदा थी, अब नहीं है। और खुदा ना खास्ता ये हादसा तो किसी भी माँ या बहन बेटी के साथ हो सकता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन लेकिन क्या रईस, तुमने मुझसे वादा किया था। मुझे अपना वादा याद है और मैं अपने वादे का पास रखने को भी तैयार हूँ। रईस, मेरी बात का यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर। अगर रुतबा के नाम से ये बेवा का लेबल निकाल दिया जाए ना, तो उससे अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। उसमें एक अच्छा साथी, एक अच्छी बीवी होने की तमाम खूबियां मौजूद है। अच्छा रईस, ऐसा करते हैं, या मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ या उसके घर जाकर उससे मिल लेती हूँ। तुम एक बार उससे बात तो कर लो, उसके बाद तुम जो फैसला करोगे ना, मुझे मंजूर है, सिर्फ एक बार। चलो उठो अभी। जब मुझे वहाँ शादी नहीं करनी तो फिर मिलने का जवाब ही नहीं है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं अब निकलता हूँ, मुझे एक मीटिंग पहुँचना था। एक बार मिल तो लो उससे। अल्लाह हाफिज़ रईस।